चर्चाएंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, बड़ी जानकारी इस वक्त की। सिरसा आएंगे यूपी के सीएम, 20 मई को सिरसा आएंगे योगी आदित्यनाथ, तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की। सिरसा में योगी आदित्यनाथ करेंगे रैली, तो सिरसा में योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे। सिरसा विधायक एम एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने ये जानकारी दी है इस वक्त की, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने ये जानकारी दी है कि 20 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे। तो कपास मंडी में होगी विशाल जनसभा, गोपाल कांडा ये कहते हुए नजर आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की। सिरसा आएंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, सिरसा के लोगों की इच्छा पूरी हुई ये गोपाल कांडा कहते हुए नजर आए हैं। बाबा सरसाई नाथ जी की नगरी में पहली बार आ रही हैं सीएम योगी, बड़ी जानकारी इस वक्त की। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की लोगों से अपील, 20 तारीख की करो भव्य तैयारी, आ रही हैं भगवाधारी, तो 20 तारीख की करो भव्य तैयारी ये कहते हुए नजर आए हैं एचएलपी सुप्रीमो। सिरसा सीट का माहौल दिनों दिन बदलता जा रहा है और एक तरफा माहौल हो रहा है। अब दो तीन दिन से तो बिल्कुल ही गांव में और शहर में लोगों ने मन बना लिया कि एक बनी बनाई और दृढ़ सरकार के साथ हमें जाना है, मोदी जी के साथ हमें जाना है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, क्योंकि वहां कुछ भी स्पष्ट नहीं है दूसरी तरफ। तो आजकल तो हर गांव और शहर का लोग इतने समझदार हैं, हर इंसान को समझ है कि वोट कहाँ डालना है, तो लोगों ने मन बना लिया है और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में और हरियाणा में पूरे में ही हवा बदली है तीन दिनों से, और मुझे तो लगता है कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। प्रचार के दिग्गज भी अब उतर रहे हैं हरियाणा में, इसी कड़ी में सिरसा का भी कोई कार्यक्रम होना है? जी, 20 तारीख को सिरसा में, तो सिरसा की जनता जो चाह रही थी, सिरसा के लोग जो चाह रहे थे, और कहते हैं ना कि कुदरती केंद्र से वही उनको मिले हैं, और सब लोग चाह रहे थे कि योगी जी एक दफ़ा सिरसा आएं, तो 20 तारीख को माननीय आदित्यनाथ योगी जी सिरसा आ रहे हैं। और मैं तो सिरसा वासियों से यही कहूँगा कि बाबा सरसाई नाथ की नगरी है और योगी जी भी उसी संप्रदाय से और जुड़े हुए हैं, तो वो आज अपने शहर में आ रहे हैं सिरसा में, और 20 तारीख की करो इतनी भव्य तैयारी, आ रहे हैं भगवान धारी। तो योगी जी का युवाओं पर बहुत करेज है, तो 20 तारीख को कैसे जाने सलाह दीजिएगा? मुझे लग रहा है कि आसपास शहर में कोई जगह ही नहीं थी कि लाखों लोग जहाँ इकट्ठा हो सकें, बड़ी से बड़ी जगह थी जो बड़ी अनाज मंडी है, वहाँ 20 तारीख को पूरा शहर वहाँ उमड़ेगा, और मेरी यही है कि पूरा शहर उनको सुनने के लिए और देखने के लिए आए और आदित्य योगीनाथ जी का इतना भव्य भव्य स्वागत करें इस धर्म नगरी में कि उनको लगे कि यहाँ से बहुत ही बहुत भारी विजय होगी। देखो, ये तो हर आदमी जो इलेक्शन लड़ता है वो ऐसी बात ही करता है, पर सच्चाई पूरे देश को ही पता है और मुझे लगता है आपको ही पता होगी कि क्या पोजीशन है। अगर उनसे पूछ लो कि प्रधानमंत्री किसको बनाओगी 4 के बाद, नाम बताओ, नाम बता देंगे? नाम ही नहीं है उनके पास प्रधानमंत्री का, तो आप वोट कैसे देंगे? अब उधर तो पता है ना, नरेंद्र मोदी जी को वोट डाल रहे हैं हम, कांग्रेस या कोई पार्टी ऐसा बोल रही है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, हम किसको वोट दें? शैलजा जी भी नहीं बोल रही कि प्रधानमंत्री ये बनेगा, आप इसलिए वोट दो। और वो तो सबको ही पता है, सिरसा वालों को तो पता ही है कि वो हिसार से हैं, बाहर से हैं और चली जाएंगी बाहर। फिर वो एक बात और बोल देती हैं कि इसके बाद करो हरियाणा की तैयारी, मतलब ये इलेक्शन करो, 4 महीने के बाद रिजाइन दे दूंगी और हरियाणा के चुनाव वहां से लड़ूंगी। तो ये कोई मजाक थोड़ी है, बार बार इलेक्शन थोड़ी होंगे, तो लोग बार बार इलेक्शन नहीं करवाएंगे, इसीलिए वो वोट एक तरफा डाल देंगे। पिछले 2-3 दिनों से सब आपकी बहुत बड़ी भूमिका देखने को मिल रही है, बड़े रणनीतिकार के तौर पर आपको माना जाता है, देखो रणनीति भूमिका, हमने 3-4 इलेक्शन लड़े हैं सिरसा में, बड़े रणनीतिकार तो नहीं, पर लोगों का प्यार जरूर है, लोगों का प्यार बहुत हमारे साथ है, स्नेह बहुत है, आशीर्वाद बहुत है,
और गांव में भी गया तो लोगों ने कहा नहीं, हम क्योंकि एनडीए का हिस्सा है हरियाणा लोकहित पार्टी, तो हम उसी वजह से, उसी नाते कि भाजपा में होने के कारण, एनडीए में होने के कारण और लगे हुए हैं दिन रात, और लोगों ने मन बनाया हुआ है एक्चुअल में स्थिर सरकार को, जिससे देश को आज मान सम्मान मिल रहा है, देश का आज विकास का पहिया बहुत तेज गति से चल रहा है, कि उसमें कोई ब्रेकर ना लगे, उसमें कोई अड़चन ना आए, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है 6-6 महीने में, साल साल में देश के प्रधानमंत्री 2-2 साल में बदलने के बाद देश की क्या हालत थी उस एक पीरियड में। तो ऐसी स्थिर सरकार के साथ सभी से मेरा निवेदन है कि मोदी जी के साथ चलें और देश तरक्की की राह पर जो चल रहा है उसको और आगे बढ़ाएं। सर, नरेंद्र मोदी अभी जो सच्चा इंसान है ना, वो अपनी बात पे कभी कभी भावुक भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो आपके लिए करना है, इसीलिए आपको कहते हैं कि हमारा परिवार है। जैसे मैं सिरसा में कभी भी ऐसी बात नहीं सोचता कि सिरसा के मेरे कोई वोटर हैं, मैं सिरसा को कहता हूँ मेरा परिवार है, यहाँ मेरे पास जो कुछ है वो सिरसा के लिए है, तन मन धन, चाहे वो कोरोना काल आया, चाहे कोई विपत्ति आई, चाहे कोई धर्म का काम हुआ, मेरी इच्छा रहती है कि अपने परिवार के बीच में और अपने शहर के बीच में मैं जो कुछ कर सकूँ वो करूँ। तो पूरा हिंदुस्तान उनका अपना है, तो उनको किसी बात पर लग रहा है कि कोई ऐसा कुछ हो रहा है तो वो हो जाता है, इंसान को बड़ी बात नहीं है। विश्वास किसी बैठे हैं तैयार आपके सामने, उनका विश्वास रहा है तो हम भी उनके साथ रहे हैं, पूरा विश्वास उनका रहा है कि हमने एक बार उनसे कमिटमेंट की है कि हम आपके साथ हैं, तो वो इसी वजह से की है कि मेरे शहर के जो काम है वो करें, क्योंकि मेरे शहर का जो लोग हैं, जो मेरे साथ हैं, मेरे साथी हैं, मेरा परिवार है, वो जुड़ा हुआ है गाँव के, शहर के लोग, कि जो ये बोलेंगे वो काम करवाएंगे, और वो काम सरकार से हम बोला मैंने खट्टर साहब से, उन्होंने किए, इस वजह से दोनों का आपस में तालमेल, तो दोनों हाथों से ही ताली बजती है ना, उन्होंने हमारे काम किया, हम उनके साथ हैं। कांग्रेस भी कह रही है कि सिरसा में गांधी परिवार से बड़े लोग भी आएंगे, नेता आ सकते हैं, उनकी रैली होगी, आपको लगता है कि कांग्रेस की रैली का कैसा हो जानी चाहिए ताकि मन में बहम भी ना रहे? मैं तो यही कहूँगा हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में कहेंगे कि कोई आ नहीं पाया, वहाँ से टाइम नहीं मिला, इस वजह से हमारे साथ ये हो गया, ये बहम उनका दूर हो जाना चाहिए, जरूर आ जाना चाहिए किसी को। मैं ये अब इनके आपस की लड़ाई शुरू हो गई, और मैंने तो पहले ही बोला था, मैंने तो 2-2 साल पहले 2.5 साल पहले ही बोला था कि कोई इनके साथ है नहीं, ना ये किसी के साथ हैं, ये तो एक बेमतलब का जननायक जनता पार्टी, 10 लोगों का नाम अपने साथ जोड़े हुए थी। मैंने कहा जिस दिन इनको अलग करोगे सरकार से, उस दिन कोई भी इनके साथ नहीं रहेगा, और वो दिन आपके सामने है। ना लोग इनको शहर में देखना पसंद करते हैं, ना गांव में, कहीं से भी 10 की 10 सीटों पे जमानत जब्त होगी, और आगे भी ये जब लड़ेंगे 90 की 90 सीटों पे, तो यही हाल होगा जो अब होगा 3 महीने पहले, तो आप देख लेना आपके सामने होगा, यही हाल आज इनेलो का है, यही आज JJP का है, 10 की 10 सीटों पर जमानत जब्त है, क्योंकि लोग मतलब लोगों को ना आखिर में समझ आ चुकी है इनकी बातें, कि ये गुमराह करते हैं लोगों को, झूठ बोलते हैं, तो लोग सब समझे हुए हैं इनके पास क्या है। तो पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, 20 तारीख को भव्य तैयारी की बात कर रही हैं गोपाल कांडा HLP सुप्रीमो, और कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ 20 तारीख यानी कि 20 मई को रैली करने जा रहे हैं, हालांकि अगर बात की जाए कल की, तो कल PM भी हरियाणा में आने वाले हैं। जी सतीश का बिल्कुल, हरियाणा के चुनावी रण में अब दिग्गज उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री आएंगे, उसके बाद एक के बाद एक सिलसिला लग जाएगा बड़े जो केंद्रीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के उनका, और इसी कड़ी में सिरसा में भी योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम बन चुका है, और उनकी एक भव्य रैली का आयोजन जो है वो सिरसा की कपास मंडी में होगा, जिसकी जानकारी खुद HLP के प्रमुख हैं और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा भी दे रहे थे आज, और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो चेहरा है इस बार वो भी मोदी है, और मोदी के नाम पर ही सिरसा के लोग उनके साथ जुड़ेंगे, और इसके अलावा उन्होंने जननायक जनता पार्टी पर भी निशाना साधा, उन्होंने कहा कि भले ही वे अपने विधायकों को नहीं बांध पा रहे हैं, क्योंकि उनकी ओर से एक लेटर भी दिया गया है जो उनकी जो सदन से सदस्यता है उनकी, उसको बर्खास्त किया जाए, रद्द किया जाए, इसको लेकर JJP की ओर से एक लेटर भी दिया गया है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने आज यहाँ चर्चा की है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो 20 मई को सिरसा आएंगे योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की HLP सुप्रीमो गोपाल कांडा ने, इस दौरान उन्होंने जानकारी दी है कि सिरसा में योगी आदित्यनाथ आएंगे, और साथ ही आपको बता दें 20 मई को वो भव्य रैली करेंगे।